अब हम आते हैं मुतालिक हासिलात ताल्लुम के हवालों के साथ मश्क जुबान शनासी और लिखाई के कुछ अहम पहलुओं की तरफ। पहली सरगर्मी है जिसका इंतखाब किया है कहानी पढ़ना और सुनना। सफा 94 पर यह कहानी लिखी हुई है, इसको आप खुद पढ़ेंगे पहले, फिर तलबा से पढ़वाएंगे और फिर कहानी पर मबनी कुछ सवालात आप बच्चों से पूछेंगे, जिससे पता चले कि उन्होंने कितनी तवज्जो से इस इबारत को सुना है। हासिल ताल्लुम इसका है कि तलबा सादा और मुरक्कब जुमलों पर मुश्तमिल इबारत समझकर पढ़ सके। मैं ये कहानी पढ़ देता हूँ आपके लिए। आओ बच्चों सुने कहानी। एक दफा का जिक्र है कि दरिया के किनारे पर एक फाख्ता रहती थी, उसी दरख्त की जड़ में एक चींटी का घर भी था। वो दोनों बहुत अच्छी हमसाइयां थी। एक दिन चींटी दरिया के किनारे पानी पीने गई। जो ही वो पानी पीने लगी, पानी की लहर आई और उसको बहा कर ले गई। चींटी ने निकलने की बहुत कोशिश की लेकिन बेसूद। फाख्ता जो अपने घोंसले से देख रही थी फौरन उड़ी। उसने दरख्त से एक पत्ता तोड़ा और चींटी के पास लाकर फेंक दिया। चींटी पत्ते पर चढ़ गई और पत्ता आहिस्ता आहिस्ता किनारे आ लगा। यूं फाख्ता ने चींटी की जान बचा ली। उसने फाख्ता का शुक्रिया अदा किया। चंद रोज बाद एक शिकारी बंदूक में हाथ में लिए उधर आ निकला। उसने फाख्ता को दरख्त पर बैठे देखा तो बंदूक से निशाना बांधा। इत्तेफाक से चींटी ने शिकारी को देख लिया। दिल में कहने लगी, एहसान का बदला चुकाना चाहिए। वो जल्दी से दौड़ी और शिकारी के पांव पर इतने जोर से काटा कि उसके हाथ से बंदूक छूट गई और निशाना खता हो गया। बंदूक की आवाज सुनकर फाख्ता उड़ गई और यूं चींटी ने फाख्ता की जान बचाई। ये सेशन यहां तक ही। मोहतरम टीचर, आपकी समाअत का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़ुन नासिर।